हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है एलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड और बाय ऑब्लॉन्ग मेथड, और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉ एन एलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस 100 mm एंड माइनर एक्सिस 50 mm बाय रेक्टेंगुलर मेथड। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। इट मींस हमें एलिप्स ड्रॉ करना है। एलिप्स ड्रॉ करने के लिए टोटल 4 मेथड्स होती हैं। सबसे पहला है एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, दूसरा है एलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड इट मींस बाय ऑब्लॉन्ग मेथड, तीसरा है एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, चौथा है एलिप्स बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड। अगर कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसमें अगर मेथड का नाम नहीं लिखा है तो फिर ये चारों में से कोई भी एक मेथड का यूज करके आप आसानी से एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन देखो ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी यहां पर मेंशन है कि ड्रॉ एन एलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड, तो चलो हम यहां पे रेक्टेंगुलर मेथड का यूज करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, उससे आपको एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड ड्रॉ करना आ जाएगा। और एलिप्स के ऊपर टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना उसके ऊपर भी इसके पहले हमने स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो भी आप देख लेना। एलिप्स के ऊपर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना वो आपको पता चल जाएगा। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन अब ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस चेक करेंगे। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मेजर एक्सिस क्वेश्चन में दिया है 100 mm और माइनर एक्सिस दिया है 50 mm। तो चलो सबसे पहले हम मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए मेजर एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया है जो कि 100 mm का है, और अब हम एक काम करेंगे, ये मेजर एक्सिस के ऊपर माइनर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस जनरली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है, इसलिए हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। और यहां पे ये देखिए, ये मेजर एक्सिस का हमने सेंटर ले लिया है और यहां पर हम परपेंडिकुलर माइनर एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। सेंटर जो है वो 50 mm पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेजर एक्सिस 100 mm का है तो उसका जो सेंटर है वो 50 mm पे आएगा, और फिर आपको यहां क्या करना है, माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। तो चलो हम वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ड्रॉ करते समय आपको वो सेमी डार्क ड्रॉ करना है, इट मींस ज्यादा डार्क भी नहीं और ज्यादा फेंट भी नहीं। तो ये देखिए मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया है, और इसको हमने नेमिंग भी दे दिया है, मेजर एक्सिस दैट इज ए बी एंड माइनर एक्सिस दैट इज सी डी। और ये बिल्कुल माइनर एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर बनाया है। और अब हमें यहां पे रेक्टेंगुलर मेथड का यूज करना है और एलिप्स ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगुलर मेथड में आपको पहले एक रेक्टेंगल क्रिएट करना होता है। रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना होता है, तो उसके लिए आपको रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करना चाहिए। फिलहाल इतने बड़े बोर्ड पे हमारे पास रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर नहीं है, तो हम एक सिंपल स्केल का यूज करके ड्रॉ करेंगे। तो देखो क्या करना है, ये मेजर एक्सिस को आपको क्या करना है, स्केल ऐसा पैरेलल सेट करना है, मेजर एक्सिस को पैरेलल सेट करना है और ऊपर सी तक ले जाना है, सी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है और नीचे डी से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, और जो आप अब ड्रॉ करोगे वो आपको फेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था कि मेजर एक्सिस को पैरेलल सेट करना है और सी और डी से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिए और ये हमने फेंट बना दिए। और अब क्या करना है, ये माइनर एक्सिस को रोलर स्केल ऐसा पैरेलल सेट करना है, ठीक है। माइनर एक्सिस को पैरेलल सेट करके आपको ए तक ले आना है और यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, और बी तक ले जाना है और यहां से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू द माइनर एक्सिस। तो चलो वो हम यहां अब ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने एक रेक्टेंगल यहां क्रिएट कर लिया है। ये रेक्टेंगल में अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है एलिप्स ड्रॉ करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन पे क्या करना है जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अब जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो सेंटर है इसको हम कहेंगे सेंटर ओ, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ई, ठीक है। ए बी सी डी हो गया, इसलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है ई। अब देखो क्या करना है, अब ये AO और ये AE को डिवाइड करना है, ठीक है। AO का लेंथ क्या है, तो AO का लेंथ है 5 cm, क्योंकि AB का लेंथ था 100, तो उसका हाफ AO है 5 cm, दैट इज 50 mm, ठीक है। ये 100 mm, तो ये हाफ कितना 50 mm, ठीक है। और ये माइनर एक्सिस का लेंथ था 50 mm, तो उसका हाफ कितना, तो हाफ CO हो जाएगा 25 mm, इट मींस 2.5 cm, ठीक है। तो अगर CO अगर 25 mm है तो ये AE ये भी 25 mm है, ठीक है। तो AO है 50 mm और AE है 25 mm। तो करना क्या है, ये दोनों को डिवाइड करना है, लेकिन रूल ये है कि दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जितने पार्ट में AO को डिवाइड करेंगे उतने ही पार्ट में आपको AE को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड करो, अगर इसको 4 तो 4, 3 तो 3। जितने ज्यादा पार्ट में डिवाइड करोगे उतना अच्छा एलिप्स ड्रॉ होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो AO का लेंथ 50 mm है, तो हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, आसानी से डिवाइड हो जाएगा। 50 mm को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 10 mm का एक पार्ट आएगा, इट
मीन्स 1-1 सेंटीमीटर का एक पार्ट, और यहां AE का लेंथ 25 mm है, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 5-5 mm का एक पार्ट आएगा, इट मीन्स हाफ सेंटीमीटर का एक पार्ट। तो चलो हम यहां पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने डिवाइड कर लिया है और यहां पे हम नंबरिंग दे देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, देन ये थर्ड पार्ट, देन ये फोर्थ पार्ट और वो फिफ्थ पार्ट। उसी तरह से यहां पे डिवाइड करेंगे, ए से ई की तरफ आपको चलना है, तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, देन ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट। इस तरह से ये हमने डिवाइड कर लिए। हमने सिर्फ एक ही बॉक्स में डिवीजन किए, इधर के रिमेनिंग बॉक्स में अभी तक हमने डिवीजन नहीं किए, वो हम आपको आगे बताएंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो यहां पे हमने डिवाइड करने के बाद अब क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। अब ये जो पॉइंट सी है, ये सी से 1 ज्वाइन करना है, ठीक है, सी से 2 ज्वाइन करना है, सी से 3 ज्वाइन करना है और सी से 4 ज्वाइन करना है, और ये कंस्ट्रक्शन आपको फेंट करना है। फेंट कंस्ट्रक्शन के लिए आप 2H या 4H पेंसिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम वो यहां ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था, C1, C2, C3, C4 ये हमने ज्वाइन कर लिए, ठीक है। और अब क्या करना है, अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि ये जो नीचे का पॉइंट है D, ये D से ये 1 ज्वाइन करना है, फिर D से 2 ज्वाइन करना है, 3 ज्वाइन करना है, 4 ज्वाइन करना है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ट्विस्ट ये है कि जब आप D से 1 ज्वाइन करेंगे तो उसको आगे एक्सटेंड करना है। D से 2 ज्वाइन करके भी आपको आगे एक्सटेंड करना है, D से 3 ज्वाइन करके भी आपको आगे एक्सटेंड करना है। ये आपको तब तक एक्सटेंड करना है जब तक ये C1, C2, C3, C4 के ऊपर जब तक नहीं मिले, तब तक आपको वो एक्सटेंड करना है। देखो हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे ये हम D4 को ज्वाइन कर लेते हैं, देखो ये हमने D4 को ज्वाइन करेंगे, और D4 को ज्वाइन करते समय इसको आपको तब तक एक्सटेंड करना है जब तक वो C4 को ना मिले, ठीक है। तो ये देखिए D4 को हम एक्सटेंड कर रहे हैं अप टू C4, तो C4 का लाइन ऊपर में है, तो यहां तक हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने एक्सटेंड कर लिए, ये D4 C4 को जाके मिल गया। उसी तरह से ये D3 ज्वाइन करो, और ये D3 आपको एक्सटेंड करना है C3 तक। तो ये देखिए ये हमने D3 को ज्वाइन कर लिए और इसको एक्सटेंड करना है तब तक जब तक ये C3 को ना मिले, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन आपको फेंट करना है। फेंट के लिए हमने जैसा कहा 2H या 4H पेंसिल का आप यूज करेंगे, और डार्क कंस्ट्रक्शन के लिए आप H नंबर का पेंसिल यूज कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। D4 D3 और अब D2 और D1 को भी हम ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके यहां पे एक्सटेंड कर लिए। D1 को ज्वाइन करके एक्सटेंड करने से क्या फायदा हुआ, यहां पे D1 और C1 यहां पे क्रॉस हो गया, यहां पे एक पॉइंट मिला। D2 और C2 यहां पे क्रॉस हो गया, यहां पे एक पॉइंट मिला। D3 और C3 यहां पे देखो यहां पे क्रॉस हो रहा है, और D4 और C4 यहां पे क्रॉस हो रहा है। इस तरह से ये हमें सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिल चुके हैं। आप चाहे तो यहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स को नेमिंग भी दे सकते हैं, जैसे पॉइंट P1, P2, P3, P4 आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये एलिप्स ड्रॉ करने के लिए, देखो ये जो पहला ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल में एलिप्स ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं, ठीक है। हमें सिर्फ एक साइड का हमें सिर्फ 4 पॉइंट्स यहां पे मिल चुके हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स जब आप ये ज्वाइन कर लेंगे तो ज्वाइन करने के बाद सिर्फ एक क्वार्टर पार्ट जो है ऐसा एलिप्स का बन जाएगा। लेकिन अब रिमेनिंग अगर हमें ड्रॉ करना है तो देखो आप रिमेनिंग के लिए क्या करना है। तो हमने जैसा कहा था कि ये कंस्ट्रक्शन हमने सिर्फ ये एक रेक्टेंगल में किए हैं, ठीक है। यहां पर टोटल 4 रेक्टेंगल है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शन आपने फर्स्ट रेक्टेंगल में किए, वही कंस्ट्रक्शन आप सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल, फोर्थ रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कॉलेज में अगर सभी रेक्टेंगल्स में कंस्ट्रक्शन करने के लिए बता रहे, तो आप ये सेम कंस्ट्रक्शन सभी रेक्टेंगल्स में रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको कम समय में सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेम कंस्ट्रक्शन आपको रिपीट नहीं करना है। आपने एक रेक्टेंगल में किए ना, अब आपको ये कंस्ट्रक्शन दूसरे रेक्टेंगल्स में रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये पॉइंट्स का यूज करना है। ये पॉइंट्स को पैरेलली आपको इधर के रेक्टेंगल में शिफ्ट करना है, फिर आपको इधर के रेक्टेंगल में शिफ्ट करना है। तो इस तरह से आपको आसानी से पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसा हमने कहा, आपके कॉलेज में अगर आपके लेक्चरर्स आपको अगर कह रहे हैं कि आपको सभी रेक्टेंगल्स में ये कंस्ट्रक्शन करना है, तो फिर आप उसी हिसाब से चलिए, ठीक है। लेकिन कम समय में अगर सॉल्व करना है तो आपको कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने कहा। तो चलो अब हम एक काम करेंगे, हम ये पॉइंट्स का यूज करेंगे। अब ये पॉइंट्स का यूज कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, ये मेजर एक्सिस को पैरेलल, आपको क्या करना है, जो आपके पास स्केल है वो मेजर एक्सिस को पैरेलल सेट करना है, और ये जो पॉइंट्स है, जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स हमें यहां पे मिल गए थे, वहां से आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना है पैरेलल टू मेजर एक्सिस, ठीक है। और ये आपको फेंट ड्रॉ करना है। जैसे देखो हम आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं, ये हमने मेजर एक्सिस को पैरेलल सेट किए, और अब ये जो पॉइंट है यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इधर के रेक्टेंगल में हम ये शिफ्ट कर रहे हैं,
पैरेलल टू मेजर एक्सिस, और ये जैसा हमने कहा फ्रंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये पहला इस तरह से, ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिए, ये पहले पॉइंट से हमने बना लिए। उसी तरह से ये सेकंड पॉइंट से भी हमें ड्रॉ करना है पैरेलल लाइन, थर्ड पॉइंट से भी और फोर्थ पॉइंट से भी, सभी पॉइंट से हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे और इधर के रेक्टेंगल में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद हम यहां पे पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो देखिए ये सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए है पैरेलल टू मेजर एक्सिस, और अब हमें क्या करना है, अब ये सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट जो लेफ्ट साइड में है वही हमें राइट साइड में मार्क करना है, और ये मार्क करने के लिए हम सीधा सीधा कॉम्पास का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने कॉम्पास ले लिए, आपको क्या करना है, अब देखिए ये जो माइनर एक्सिस है ये पॉइंट माइनर एक्सिस के जितने लेफ्ट साइड में है उतने ही राइट साइड में मार्क करना है। तो कॉम्पास में आपको ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट, देखो ये फर्स्ट पॉइंट का जो लाइन जा रहा है, आपको क्या करना है माइनर एक्सिस से इधर का लेंथ आपको कंपास में ले लेना है। तो ये देखिए ये हमने माइनर एक्सिस के लेफ्ट साइड का ये इतना डिस्टेंस, ये पॉइंट का ये हमने कंपास में लेंथ ले लिया है, और अब कंपास का सेंटर माइनर एक्सिस पे उसी लाइन पे आपको यहां पे पुट करना है, और उसके अदर साइड में इट मीन्स राइट साइड में आपको पॉइंट मार्क करना है। देखो यहां पे हमने ये आर्क ड्रॉ कर लिए, इट मीन्स ये पॉइंट जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही ये हमने राइट साइड में मार्क कर लिए। बिल्कुल उसी तरह से अब ये नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए ये हमने लेंथ कॉम्पास में ले लिए, ठीक है, और ये जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में मार्क करना है। तो ये कॉम्पास का आपको क्या करना है, कॉम्पास का सेंटर इसी लाइन पे माइनर एक्सिस पे आपको पुट करना है और ये राइट साइड में मार्क करना है। तो ये हमने मार्क कर लिए। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट का लेंथ हम कॉम्पास में लेंगे, और ये देखिए ये हमने नेक्स्ट पॉइंट का लेंथ ले लिए, जितना पॉइंट लेफ्ट साइड में उतना ही पॉइंट राइट साइड में। तो ये हम आसानी से कॉम्पास का यूज करके ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसा हमने कहा था कि जो पहले बॉक्स में जो कंस्ट्रक्शन किए थे वही कंस्ट्रक्शन आपको सभी बॉक्स में रिपीट करने के बजाय अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा और आपको काफ़ी आसानी से आपका एलिप्स ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करने के लिए टाइम लगता है और एग्जाम में टाइम कम होता है, कम समय में बिल्कुल करेक्ट ड्रॉ करना होता है। तो ऐसे में ये प्रोसेस काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो देखो पॉइंट्स मार्क करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में भी हमें यहाँ पर फोर पॉइंट्स मिल चुके हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड के फोर पॉइंट जब आपने ज्वाइन किए थे तो कुछ ऐसा इतना क्वार्टर पार्ट मिल गया था, और अब इधर के भी अगर आप पॉइंट्स अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो ऐसा ये कंटिन्यू हो जाएगा और हाफ एलिप्स ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये पॉइंट्स हमें अब नीचे भी मिलने वाले हैं, यहां पे भी फोर पॉइंट्स मिलने वाले हैं और यहां पे भी फोर पॉइंट्स मिलने वाले हैं। फिर वो जब सभी को हम ज्वाइन करेंगे तो फिर ऐसा एक एलिप्स जो है वो तैयार हो जाएगा। तो चलो यहां पर अब क्या करेंगे, देखो ये जो पॉइंट्स है ये फोर पॉइंट्स नीचे वर्टिकली यहां पर शिफ्ट करेंगे और यहां के भी फोर पॉइंट्स नीचे वर्टिकली शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और उसके लिए अब आपको क्या करना है, ये माइनर एक्सिस को पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है, ठीक है। माइनर एक्सिस जो ड्रॉ किए थे उसको हम लेंगे, तो ये देखिए हमने स्केल ले लिए, आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो ये हमने स्केल ले लिए, माइनर एक्सिस को ऐसे पैरेलल सेट कर लिए, और क्या करना है, ये जो पॉइंट्स मिल चुके हैं यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये पहले पॉइंट से ये हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने बना दिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट इधर के बॉक्स में आ गया, ठीक है। उसी तरह से ये सेकंड पॉइंट, ये भी पैरेलल टू माइनर एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को ही पैरेलल आपको ड्रॉ करना है। ये देखिए ये सेकंड के लिए भी हमने ड्रॉ कर लिए, उसी तरह से थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और इधर के भी सभी पॉइंट्स के लिए वर्टिकल लाइन्स आपको ड्रॉ करना है और नीचे के बॉक्स में शिफ्ट करना है। तो ये देखिए सभी पॉइंट से हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं, और यहां पे देखो इधर के रेक्टेंगल में भी लाइंस आ चुकी है और इधर के रेक्टेंगल में भी। और अब फिर से हम कंपास का यूज करेंगे और क्या करेंगे, ये पॉइंट्स जितना मेजर एक्सिस के ऊपर है उतना ही वो नीचे मार्क करेंगे, ठीक है। तो कंपास का हम यहां पर यूज करने वाले हैं, तो ये हमने कंपास ले लिए, देखो ये देखिए ये जो पॉइंट है ये मेजर एक्सिस के जितना ऊपर है उतना ही उसको नीचे मार्क करो, तो आपको जो लेंथ है वो मेजर एक्सिस से ले लेना है। तो ये देखिए ये पॉइंट का लेंथ मेजर एक्सिस से कितना है, देखो मेजर एक्सिस से ये पॉइंट इतना ऊपर है, देखो ये हमने कंपास में लेंथ ले लिए, ये पॉइंट का मेजर एक्सिस से इतना ऊपर ये पॉइंट है, ठीक है। और अब ये जितना ऊपर है उतना ही उसको अब हम नीचे मार्क करेंगे, तो उसी लाइन पे मेजर एक्सिस पे रखना है और उसको नीचे मार्क करना है। ये देखो हमने मार्क कर दिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पॉइंट के लिए आपने कर लिए तो यही लेंथ आपको यही पॉइंट के लिए भी यूज करना है। देखो ये पॉइंट के लिए भी आपने लाइन ड्रॉ किया है तो यही लेंथ का हम यूज करेंगे, लेंथ को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, उससे जो है आपका सॉल्यूशन काफी जल्दी ड्रॉ हो जाएगा। देखो इधर भी मार्क कर लिए और इधर भी मार्क कर लिए, और अब नेक्स्ट ये जो पॉइंट है ये पॉइंट की बात करेंगे, तो ये पॉइंट का लेंथ जो है मेजर एक्सिस से ये पॉइंट जितना ऊपर है ये हम कंपास में लेंथ ले लेंगे, तो ये हमने ले लिए और इसको उसी लाइन पे मेजर एक्सिस पे कंपास का सेंटर रख के ये हम नीचे मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे मार्क कर लिए, बिल्कुल
ऐसे ही आपको ये देखिए, ये जो नेक्स्ट पॉइंट के लिए जो हमने बनाए थे उस पर भी हम मार्क करेंगे, तो ये देखिए ये हमने मार्क कर लिए इस तरह से। और अब रिमेनिंग जो लाइंस है उसके ऊपर भी आपको सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो ये देखिए फाइनली हमने सभी लाइंस पे सभी पॉइंट्स को मार्क कर लिए हैं, ठीक है। और इस तरह से हमें सभी यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिल चुके हैं, और अब ये सभी को हमें ज्वाइन करना है। तो सभी को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें एलिप्स मिलेगा। अगर आपको यहाँ पॉइंट्स को नेमिंग देना है तो नेमिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपके कॉलेज में नेमिंग देने के लिए कह रहे हैं तो आप पॉइंट्स को नेमिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में भी ऐसा ही दिया है, कुछ बुक्स में नेमिंग दिया है तो कुछ बुक्स में नेमिंग नहीं दिया है, ठीक है। तो फिलहाल अब ये ज्वाइन कैसे करेंगे, तो ये ज्वाइन करने के लिए अब फ्रेंच कर्व का यूज आपको करना है। आप चाहे तो फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फ्री हैंड उतना स्मूथ उतना अच्छा कर्व नहीं बनता है, तो आपको फ्रेंच कर्व की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अब ये सभी पॉइंट्स को हम फ्रेंच कर्व से ज्वाइन करेंगे, लेकिन फ्रेंच कर्व अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड है, इतने बड़े बोर्ड के लिए बड़ा सा फ्रेंच कर्व मार्केट में नहीं मिलता। तो हम इसको फिलहाल फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपको ज्वाइन करते समय फ्रेंच कर्व का यूज करना है। तो हम यहाँ पे सभी को ज्वाइन कर लेंगे, और ये इलिप्स जब आप ड्रॉ करोगे तो डार्क ड्रॉ करना है, डार्क कंस्ट्रक्शन के लिए एच नंबर का पेंसिल यूज करना है। तो चलो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया है, और यहां पे ये एलिप्स हमने कंप्लीट कर लिया है। ये काफी अच्छा नहीं बना है, वो इसीलिए क्योंकि हमने फ्री हैंड ज्वाइन किए हैं, लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में फ्रेंच कर्व का यूज करके ड्रॉ करोगे तो काफी अच्छा और स्मूथ कर्व बनेगा। और यहां पर हमने डायमेंशन भी लिख दिया है, इसका मेजर एक्सिस 100 mm वो हमने यहां लिख दिए, और माइनर एक्सिस 50 mm ये वो हमने यहां लिख दिए। इस तरह से ये सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन जो हमने आज के वीडियो में दिए थे उसमें कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन आप अगर चाहें तो यहां पर टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना वो हमने इसके पहले के भी नंबर ऑफ वीडियोस में बताए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ये आपको अपनी ड्रॉइंग बुक में भी ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। यह था एलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड, इट मीन बाय ऑब्लॉन्ग मेथड का क्वेश्चन नंबर 1। इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।